हेलो दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न पत्र गणित उत्तर सहित पुस्तिका कक्षा 8वीं। आप को इसका हल सॉल्यूशन देंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट। जैसे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं का योजित तत्समक। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माइनस ए, है ना। प्रश्न क्रमांक दो, एक त्रिभुज के विकर्ण परस्पर लंबा समद्विभाजक है तो चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा? ऑप्शन बी, समचतुर्भुज, है ना। आप एक अद्वितीय आयत की रचना के लिए न्यूनतम कितनी मापों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर सी, ये दो आसन भुजा। और जो क्वेश्चन नंबर फोर, दी गई संख्या रेखा पर अक्ष बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगी? चौथे का हो जाएगा सी, 5/9। और समीकरण 2x-3=7 का हल है, क्या हल होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5। 1/4 और 1/2 मध्य परिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर डी, 3/8। एक समांतर चतुर्भुज की अनासन भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप होगा, समचतुर्भुज का परिमाप होगा सातवें का सी, 18 सेंटीमीटर। आ जाओ अपन आठवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए कितना मापों की आवश्यकता होगी? कितने मापों की आवश्यकता होगी? पाँच। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? मतलब पूर्ण वर्ग है तो 81 पूर्ण वर्ग होती है ना। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हैं तो उसके वर्ग के इकाई का अंक होगा कितना? होगा 6 ना। 4 या 6 हैं तो उसका वर्ग का इकाई का अंक 6 होगा। तो आ जाओ 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक समचतुर्भुज दिया है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो उपयुक्त चित्र में y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? डी होगा 110। दो पूर्ण संख्याओं में अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो तो इस कथन को संगत त्रुचा चर वाला रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण क्या होगा? इसका रैखिक समीकरण होगा b 2x+5x=66। एक थैले में 4 सफ़ेद गेंद तथा 5 काली गेंद हैं। बिना देखे एक बार एक गेंद में पर सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी ऑप्शन नंबर डी, 4/9। ये ऑप्शन नंबर डी, 4/9, 4/9। आ जाते हैं अपन, क्या कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। एक समबाहु के ब्रह्म कोण की माप 45 है तो समबाहुज भुज की भुजाओं की संख्या होगी? समबाहुज भुजों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, है ना। कंपनी द्वारा एक उत्पादन कार्य ना, कंपनी द्वारा 2016 में उत्पादन कारों की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? 15वें का डी, 750, है ना। 10.24 का वर्गमूल होगा, वर्गमूल आपको आता ही होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 3.2। 17वां, निम्नलिखित में से किस संख्या का भाग 128 में देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा? पूर्ण घन प्राप्त 17वें का हो जाता है 16। ए, एक घनाकार होल का आयतन 729 घन मीटर है, घनाकार होल की भुजा की माप क्या होगी? घनाकार होल की भुजा की माप होगी ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। 9 मीटर ये होगी अतः y-9/y+4=-1। समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल 19वें का जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, y=5/2।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। विभिन्न संसाधनों से किसी विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रतिशत में पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1600 है तो पैदल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया है, ये चार्ट देख लीजिए आप, ये वाला ये चार्ट है। इसमें से आपको कितने यहाँ पर दिया है 1600 पैदल आने वालों की विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है यहाँ पर डी, 640 हो जाती है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपको मैं आगे का 21वां क्वेश्चन से आपको हल बताऊंगा। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को लाइक करो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आपको और वीडियो भी मिलेगी। कौन सी अभ्यास किसका, हाँ, गणित उत्तर सहित पुस्तिका अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं, ये सर्च करें। और GPS सॉल्यूशन भी है आपके पास।